हेलो गाइस, मैं स्कोतम गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, ये वीडियो है टैली अकाउंटिंग पार्ट 16, जिसमें कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ सिक्योरिटी डिपॉजिट एंट्रीज़ के बारे में। गाइस, या तो आपने सिक्योरिटी दी है या आपने सिक्योरिटी रिसीव की है, तो दोनों ही प्रकार से आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एंट्रीज़ के बारे में। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस, साथ ही साथ मैं आपको इसमें यदि आपने सिक्योरिटी दी है, ठीक है, तो उसकी एंट्री भी बताऊँगा और साथ में मैं आपको जब आपकी सिक्योरिटी वापस आपको मिलेगी तो उसकी एंट्री भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो गाइस, चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक्सेल शीट पर एंट्रीज़ को समझाऊंगा। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी डिपॉजिट एंट्री इन टैली ERP 9 अकाउंटिंग पार्ट 16। तो सबसे पहले जो एंट्री है वो है सिक्योरिटी पेमेंट एंट्री। आपने सिक्योरिटी दी है तो आपको पेमेंट की एंट्री करनी होगी, जो कि डिपॉजिट फॉर रेंट। जैसे मान लीजिए आपने रेंट की सिक्योरिटी आपने डिपॉजिट की है तो उसकी एंट्री कैसे होगी, डिपॉजिट फॉर रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट क्रेडिट। गाइस, डिपॉजिट फॉर रेंट तो ये हमारी करंट एसेट्स है और एसेट्स हमारी डेबिट होती हैं, इसलिए डिपॉजिट हमारी डेबिट होगी और बैंक या कैश हमारा क्रेडिट होगा। यदि बैंक या कैश हमारा घटता है तो क्रेडिट होता है। अब उसके बाद सिक्योरिटी रिसीव एंट्री। अब मान लीजिए आपकी सिक्योरिटी की जो टाइम था वो पूरा हो चुका है और आपको वो रिसीव करनी है, तो उसकी एंट्री कैसे होगी, वो होगी रिसिप्ट वाउचर में बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू डिपॉजिट फॉर रेंट अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, तो इसके अपोजिट हो जाएगी ये एंट्री। अब उसके बाद है सिक्योरिटी रिसीव एंट्री इन टैली ERP 9। तो गाइस, आपने मान लीजिए अपने सिक्योरिटी को रिसीव किया है, ठीक है, किसी ने आपको सिक्योरिटी दी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट की है आपके पास, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, ठीक है, तो उसकी जो हम एंट्री करेंगे वो करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक को इसलिए डेबिट करेंगे क्योंकि बैंक जब हमारा बढ़ता है बैंक का बैलेंस तो डेबिट होता है। और टू डिपॉजिट फॉर रेंट, जैसे मान लीजिए रेंट की सिक्योरिटी डिपॉजिट है तो अकाउंट क्रेडिट, तो इसमें डिपॉजिट फॉर रेंट ये क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि गाइस ये अब हमारी लायबिलिटी है जो कि हमें उसे टाइम पूरा होने पर पेमेंट करनी होगी। तो पेमेंट जब हम करेंगे उसकी एंट्री कैसे होगी, डिपॉजिट फॉर रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो ये बिल्कुल अपोजिट एंट्री हो जाएगी इसके, ठीक है, तो डिपॉजिट फॉर रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि बैंक हमारा इसलिए क्रेडिट होगा क्योंकि हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं जो हमने सिक्योरिटी रिसीव की थी, अब टाइम होने के बाद हम उसकी जो सिक्योरिटी है उसकी पेमेंट कर रहे हैं। अब गाइस, अब मैं आपको टैली पे बताता हूँ प्रैक्टिकल करके। तो गाइस, इसके लिए आपको लेजर क्रिएट करना होगा, जैसे कि मैंने पहले ही लेजर क्रिएट किए हुए हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ आपको कैसे लेजर क्रिएट करना है। तो गाइस, सबसे पहले हमारा जो लेजर बनेगा वो बनेगा डिपॉजिट फॉर रेंट या सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से जो लेजर आप बना सकते हैं। अंडर ग्रुपिंग सबसे मेन बात है, अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, तो ये आएगा डिपॉजिट एसेट्स, जो कि हमारा एक ग्रुप होता है, लिस्ट ऑफ ग्रुप में एक ग्रुप होता है डिपॉजिट एसेट्स में, ठीक है। और उसके बाद बैंक अकाउंट, तो बैंक का ऑलरेडी आपके टैली में होगा या आप क्रिएट कर सकते हैं नेम में OBC बैंक और अंडर ग्रुपिंग बैंक अकाउंट्स में। तो गाइस, करंट जो हमारे डिपॉजिट एसेट्स जो है ये पता है इसलिए आया है क्योंकि हमने डिपॉजिट दी है, ठीक है, यदि हम लेंगे तो उस कंडीशन में ये चेंज हो जाएगा, मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ पेमेंट की एंट्री करेंगे अकाउंट में सिंगल एंट्री मोड में करें और OBC बैंक, फिर डिपॉजिट फॉर रेंट, जैसे मान लीजिए 50,000 रुपये की सिक्योरिटी आपने डिपॉजिट की है, ठीक है, आपने पेमेंट किया है, ठीक है, तो गाइस यहाँ से हम डबल एंट्री सिस्टम में डबल एंट्री मोड में हम कर लेते हैं इसको। तो हमारा जैसे कि डिपॉजिट फॉर रेंट अकाउंट डेबिट 50,000 रुपये टू बैंक अकाउंट, तो डिपॉजिट हमारी एसेट्स है,
ठीक है, और बैंक हमारा कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट हो रहा है बैंक, और हमारी डिपॉजिट बढ़ रही है तो इसलिए डेबिट हो रही है, तो इस वाउचर को हम सेव कर देंगे। अब मान लीजिए हमारी जो है सिक्योरिटी का टाइम पीरियड हमारा समाप्त हो चुका है और अब हमें वो हमारी सिक्योरिटी हमें वापस करेगा। तो गाइस बैलेंस शीट में जैसे कि आप देख सकते हैं ये करंट एसेट्स ग्रुप में अकाउंट में आपकी डिपॉजिट एसेट्स में शो हो जाएगी, ये आएगी करंट एसेट्स में डिपॉजिट एसेट्स में, ठीक है, यहाँ पर ये एंट्री हमारी शो हो चुकी है। अब गाइस यदि हम जब हमारी डिपॉजिट पूरी हो जाएगी तो हमें वो सिक्योरिटी जो हमने उसको दी है वो हमें वापस करेगा, तो हमारे पास वापस आ जाएगी वो, ठीक है, तो उसकी जो एंट्री होगी वो होगी रिसिप्ट वाउचर में। तो हम सबसे पहले ओपन करेंगे अपना रिसिप्ट वाउचर जिसमें कि हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू डिपॉजिट फॉर रेंट क्रेडिट हो जाएगा। तो टू में डिपॉजिट फॉर रेंट 50,000 रुपये, ठीक है, बैंक या कैश हमारा डेबिट हो जाएगा 50,000 रुपये। अब गाइस इसके बाद नेशन लिखकर इस वाउचर को सेव कर देंगे। अब गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ यदि हमने जब वो हमें वापस मिलेगी सिक्योरिटी तो उसका इफ़ेक्ट होने के बाद हमारी ये क्रॉस एंट्री हो जाएगी तो ये यहाँ से हट जाएगी डिपॉजिट एसेट्स में से, ठीक है, क्योंकि क्रॉस एंट्री हो गई है, रिसिप्ट हमने सबसे पहले पेमेंट की तो उसके बाद रिसिप्ट की। यदि आप ये एंट्रीज देखना चाहते हैं तो आप लेज़र में जाएंगे डिपॉजिट फॉर रेंट, ठीक है, डिस्प्ले में जाएंगे और उसमें देख सकते हैं, तो वो एंट्रीज हमारी इसमें आ जाएंगी। अब मान लीजिए पहला केस तो था आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट की है, अब दूसरा केस ये है आपने सिक्योरिटी रिसीव की है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको लेजर एक क्रिएट करना होगा जो कि आप उसका नाम क्रिएट कर सकते हैं डिपॉजिट फॉर रेंट के नाम से या रिसीव डिपॉजिट, मतलब अपने अनुसार कर सकते हैं। और अंडर ग्रुपिंग में जो आएगा वो आएगा करंट लायबिलिटी, ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि अंडर ग्रुपिंग में जो आएगा वो आएगा करंट लायबिलिटी में, ठीक है, क्योंकि ये अब हमारी लायबिलिटी है जो कि हमें एक टाइम पीरियड होने के बाद हमें वो वापस करनी है। अब इसकी हम एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हमारी जो हमारे पास सिक्योरिटी है वो रिसीव होगी तो हमारी होगी रिसिप्ट वाउचर में। सबसे पहले डेट चेंज करेंगे, फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए 1,00,000 रुपये सिक्योरिटी हमें रिसीव हुई है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यदि बैंक का बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, ठीक है, बैंक हमारा डेबिट होगा। तो टू में डिपॉजिट फॉर रेंट, ठीक है, 1,00,000 रुपये बाय OBC बैंक 1,00,000 रुपये नेशन लिखकर इस वाउचर को सेव कर देंगे। अब गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट क्या होगा। पहले तो हमारा किस में आया था, करंट एसेट्स में डिपॉजिट में, बट गाइस अब हमारा ये किस में आएगा, करंट लायबिलिटी में, जब हमने सिक्योरिटी रिसीव की है, किसी ने हमें सिक्योरिटी दी है, ठीक है, तो ये हमारा इस वाउचर में शो होगा। अब मैंने क्या किया है, मैंने एक ही लेजर को दोबारा कन्वर्ट कर दिया है तो सारी एंट्रीज इसमें आ चुकी हैं। बट गाइस आपको अलग अलग वाउचर बनाना है, आपको इसमें आपका केस देखना है कौन सा है, यदि आप सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रहे हैं या सिक्योरिटी रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार जो हमारी लास्ट वाली एंट्री है वो है सिक्योरिटी पेमेंट एंट्री। अब उस एक टाइम पीरियड के बाद हमें हम जो है सिक्योरिटी जो हमने रिसीव की थी उसकी पेमेंट करेंगे, तो ये होगी हमारी पेमेंट वाउचर में, उस कंडीशन में डिपॉजिट फॉर रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, टू OBC बैंक अकाउंट नेशन लिखकर इस वाउचर को सेव कर देंगे, ठीक है गाइस। इसी प्रकार ही जैसे ही हम बैलेंस शीट में देखेंगे तो हमारी क्रॉस एंट्री हो जाती है और यहाँ से जो हमारी डिपॉजिट फॉर रेंट जो करंट लायबिलिटी में शो हो रहा है यहाँ से अमाउंट हट चुकी है, यहाँ पर नहीं है अब, क्योंकि गाइस ये क्रॉस एंट्री हो चुकी है। तो गाइस आपको जो ध्यान देना है वो देना है, यदि आप किसी से सिक्योरिटी की पेमेंट करते हैं तो वो होगी आपकी करंट एसेट्स, मतलब कि डिपॉजिट एसेट्स अंडर ग्रुपिंग में आएगी, और यदि आप किसी से डिपॉजिट रिसीव कर रहे हैं, आपको कोई डिपॉजिट या सिक्योरिटी दे रहा है, तो वो होगी आपकी करंट लायबिलिटी, ठीक है गाइस। आपको इसी प्रकार करनी है एंट्री।
तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।